हेलो वीवर्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू का भड़ते की रेसिपी ये बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट आलू का भरता है इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने की सोचेंगे ये सर्दियों में आप इंस्टेंट भरता बना करके खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है आप पराठों के साथ या रोटी के साथ खाइए बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल भरता है इसको आप आसानी से बना सकते हैं चलिए भड़ते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं आलू का भरता बनाने के लिए इसको मैंने एक कढ़ाई ली है इसको मैंने कढ़ाई में ऐड किया है ऑयल ऑयल मैंने इसमें लगभग 50 एम यूज़ किया है ऑयल जब अच्छे से हीट हो जाएगा तब इसमें एक चम्मच ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा हींग डालेंगे और जब ये क्रैकल हो जाए तब इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके ऐड किया है और प्याज को ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे इसको रेड होने तक की फ़्राई करेंगे जब इसका कलर चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए जब तक की फ़्राई करेंगे ज़्यादा डार्क नहीं करना है जब इस कलर की हो जाएगी तब इस स्टेज पे मैंने टमाटर यूज़ किया और हरी मिर्च यूज़ की है ये दो बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और आठ से दस बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है अब टमाटर को और हरी मिर्च को भी ये प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है भड़ते में और जब ये थोड़े से हल्के से टेंडर हो जाए तब इसके बाद इसमें हल्दी ऐड की है आधा चम्मच हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है और आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड की है ये ऑप्शनल है आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इससे मैंने सिर्फ कलर के लिए यूज़ की है इससे भड़ते का कलर बहुत अच्छा आता है और एक चम्मच नमक यूज़ किया है ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद टमाटर को अच्छे से गला लेंगे कि थोड़ा सा ये टमाटर जो हैं गल जाएँ फिर इसमें मैंने एक चम्मच खटाई यूज़ की है खटाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा भरते में थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है तो मैंने यूज़ किया है आपको अगर स्किप करना हो तो स्किप भी कर सकते हैं फिर ये आठ से दस बॉयल किए हुए आलू लिए हैं ये मीडियम साइज़ के आलू थे इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है फिर इस तरीके से मैश करके इसमें ऐड कर देंगे और सारे आलू ऐड करने के बाद इनको अच्छे से प्रॉपर्ली से मिक्स कर देंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाएं गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इस तरीके से पूरा मैश कर देंगे और ये देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं आलू को इसमें मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है भरता जितना अच्छा भुना हुआ होता है उतना ही टेस्टी बनता है और बस इसको कवर करेंगे दो से तीन मिनट के लिए दो से तीन मिनट के बाद इसकी लिट को ओपन करेंगे ये देखिए खूब अच्छे से भरता जो है अच्छे से पक गया है और नीचे थोड़ा सा लग जाए तो आप परेशान हो ही होगा क्योंकि वो हल्का सा भुना हुआ भरता अच्छा लगता है फिर इसको खूब अच्छे से मिला करके और थोड़ी देर और लो फ्लेम पे भून लेंगे और फिर इसमें कटा हुआ खूब हरा धनिया ऐड करेंगे भरते में हरा धनिया की क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है और ये सर्दियों में आप इस तरीके से भर्ता बना करके खाइए इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हट कर के आता है बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा ये देखिए भरता तैयार हो गया है इंस्टेंटली बन जाता है और इस विंटर में आप चाहें तो आलू के पराठों में भी इस स्टफिंग को भर करके आप बना सकते हैं उससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और ये देखिए गर्मा गर्म चटपटा भड़ता बनकर के तैयार हो गया है और भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा मिलते हैं एक अपने न्यू वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन्जॉय दिस भड़ता चटपटा भड़ता थैंक यू फॉर वॉचिंग